हेलो दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश, आप देख रहे टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में थ्री फेस इंडक्शन मोटर को मेजर करने के लिए जा रहे हैं तो मेजर करने से पहले कुछ तीन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इसको बाईपास करते हैं, मिस करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको फैटल शॉक लगेगा, क्योंकि जितने भी थ्री फेस के मोटर होते हैं उसमें 4 से 15 वोल्ट अप्लाई होता है, और अगर आप इन तीन बातों का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको एक फैटल शॉक लगेगा, या फिर जो मोटर का बाइंडिंग का IR वैल्यू होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा, वो पूरी तरीके से गलत आएगा और आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा कि इस मोटर का जो IR वैल्यू आया है, जो मेजर वैल्यू आया है, वो सही है या फिर खराब है। दोस्तों इसलिए इन तीन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है, कभी भी आपको बाईपास नहीं करना है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको अपने हैबिट में डाल लें कि जब भी आप किसी भी मोटर को, किसी भी इक्विपमेंट को मेजर करने के लिए जाएं तो इन तीन बातों को आपको बाईपास नहीं करना है, हमेशा आपको याद रखना है। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों देखिए, पहले नंबर पर जो आता है कि अगर आप जिस मोटर को आप मेजर करने के लिए जा रहे हैं उस मोटर की सप्लाई, यानी कि वह मोटर जिस भी पैनल से, जिस फीडर से, जिस MCB से वह मोटर चार्ज है, उस मोटर को या फिर उस पैनल को या फिर उस MCB को आपको पूरी तरीके से डी एनर्जाइज करना है, या फिर इसको पूरी तरीके से आइसोलेट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहां पर PTW और LOTOTO का फॉलो करते हैं, यानी कि PTW का मतलब हो गया परमिट टू वर्क और LOTOTO का मतलब हो गया लॉक आउट, टैग आउट, ट्राई आउट। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप सेफ्टी को बाईपास कर रहे हैं, और अगर आप ये सेफ्टी को बाईपास करेंगे तो आपको एक फेटल शॉक लगेगा, आपको एक जोर का झटका लगेगा, जो भी मोटर का बाइंडिंग का IR वैल्यू आएगा, जो भी मेजर वैल्यू आएगा, वो पूरी तरीके से गलत आएगा, आपको को ये डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होगा कि इस मोटर का IR वैल्यू सही है या फिर खराब है, आपको ये दिक्कत महसूस होगी। तो जब भी आप किसी भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर को मेजर करने के लिए जाएं तो मेजर करने से पहले PTW LOTOTO तो आपको इसको फॉलो करना होगा। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसमें क्या नई चीज़ है, ये तो हम कभी भी कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे तब भी करेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट का काम है, हम जाएंगे फर्स्ट से 5 मिनट के अंदर मेजर कर लेंगे और चले आएंगे। लेकिन दोस्तों उसी बीच अगर किसी ने, अगर आपने PTW और LOTOTO का अगर आपने फॉलो नहीं किया है, उस बीच में अगर किसी ने भी MCB को उठा दिया या फिर उस पैनल को चार्ज कर दिया और आप मेजर कर रहे हैं, तो आपको एक जोर का झटका लगेगा और आपका मोटर का जो IR वैल्यू होगा, मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा, वो पूरी तरीके से गलत आएगा, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। तो ये पहला नंबर तो आपको हमेशा याद रखना है। अब दोस्तों जो दूसरे नंबर पर ये आता है कि जब भी आप किसी भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर को मेजर करने के लिए जा रहे हैं तो आप उस मोटर के कनेक्शन खोल देंगे। कनेक्शन खोलने का मतलब आपको डायरेक्ट मोटर के पास नहीं पहुंच जाना है, सबसे पहले जिस फीडर से, जिस पैनल से उस मोटर की सप्लाई जा रही होगी, यानी कि जिस पैनल से वह मोटर चार्ज होगा, जिस केबल से वह चार्ज होगा, तो उस पैनल से आपको कनेक्शन को रिमूव कर देना है, तभी आप इसको मेजर करने के लिए जाएंगे। आप डायरेक्ट मोटर के पास नहीं पहुंच जाएंगे कि आप फट से गए और आप मोटर के अपने टर्मिनल प्लेट खोला और आपने सीधे उसको मेजर करने लगे। इससे दोस्तों प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब अगर आप पैनल की तरफ से अगर आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें अगर मोटर अर्थ बता रहा है, ठीक है, अगर मोटर अर्थ बता रहा है तो आपको ये डिसीजन लेने में आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये केबल अर्थ बता रहा है या फिर ये मोटर अर्थ बता रहा है, तो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों अगर कोई भी मोटर मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पर रखी है, सेकंड फ्लोर पर रखा हुआ है, और आपने सीधे डायरेक्ट आप मोटर के पास पहुंच गए और आप वहां से अर्थ करने लगे, तो दोस्तों आपको डायरेक्ट मोटर के पास नहीं पहुंचना है, आपको सबसे पहले पैनल के जो कनेक्शन है, जिस केबल को चार्ज किया गया है, जिस केबल से मोटर को चार्ज किया गया है, उस पैनल के द्वारा उस केबल को आपको रिमूव करना है, तभी आपको मेजर करना है। इससे दिक्कत दोस्तों यही आएगा कि जब आप मेजर करेंगे पैनल की तरफ से तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि यह केबल अर्थ बता रहा है या फिर मोटर अर्थ बता रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर केबल भी खराब हुआ या फिर मोटर खराब हुआ तो आपको ये फाइंड करने में प्रॉब्लम होगा कि ये केबल में प्रॉब्लम है या फिर इस मोटर में प्रॉब्लम है। तो जब भी आप किसी भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर को मेजर करने के लिए जाएं तो मेजर करने से पहले आप पैनल साइड से उस मोटर के कनेक्शन को आपको खोलना है, फिर आपको मोटर के पास जाना है। दोस्तों ये तो हो गया दूसरा नंबर जो कि आपको बाईपास नहीं करना है, और तीसरा जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है जब भी आप किसी भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर को मेजर करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर ये आता है कि जब भी आप किसी भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर को आप मेजर करने के लिए जा रहे हैं तो जो मेजर होता है, तो मेजर के दो प्रोब होते हैं, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होता है। तो जब कभी भी आप मेजर को मोटर से कनेक्ट करें तो आप डायरेक्ट आपको एक अर्थिंग में और एक मोटर के आर
टर्मिनल पर आपको नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों मेगर के दोनों प्रोब को आपको अर्थिंग के साथ में कनेक्ट करना है। अब वहां पर आप जब मेगर को स्टार्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो जीरो रेजिस्टेंस आएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो आपका अर्थिंग है यानी कि प्रॉपर कनेक्ट है, प्रॉपर अर्थिंग आ रहा है। अगर आप अर्थ से अर्थ में लगा रहे हैं यानी कि मेगर के दोनों प्रोब को आप अर्थिंग में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर जब आप मेगर को स्टार्ट करेंगे तो अगर उसका मेगर वैल्यू जीरो आ रहा है तो यानी कि अर्थिंग पूरी तरीके से सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों इससे प्रॉब्लम क्या आने वाला है कि अगर आपने पहले अर्थिंग में कनेक्ट करके आपने नहीं चेक किया तो इससे क्या होगा कि आप गए और डायरेक्ट आपने एक प्रोब को अर्थिंग में लगा दिया, एक प्रोब को आपके मोटर के आर सेफ पर लगा दिया। अब अगर अर्थिंग प्रॉपर आएगा ही नहीं तो आपका जो मेगर वैल्यू होगा, जो आपका आईआर वैल्यू होगा, वो भी पूरी तरीके से सही नहीं आएगा और आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा और आप का जो मेगर वैल्यू होगा वो पूरी तरीके से गलत आएगा। तो जब भी आप मेगर करने के लिए जाएंगे तो मेगर के दोनों प्रोब को आपको अर्थिंग के साथ में कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। अगर जीरो ओम आ रहा है तो यानी कि अर्थिंग प्रॉपर तरीके से सही है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बारी बारी से आर वाई बी तीनों फेसों पे आप एक प्रोब को अर्थिंग के साथ और एक प्रोब को आर वाई बी के साथ में आप जब कनेक्ट करेंगे तो जो मेगर वैल्यू आएगा वो बिल्कुल ओके आएगा, आपको डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और यही बिल्कुल सही तरीका होता है किसी भी तरीके से इंडक्शन मोटर को मेगर करते वक्त। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको छोटी जानकारी समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।